दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम क्रिकेट के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हमारा सबसे पहला वीलॉग शूट होने वाला है। तो अगर आज आपके भाई से कोई भी गलती हो जाती है तो माफ कर देना दोस्तों। आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं थोड़ा कैमरा का एंगल थोड़ा सा अलग हो सकता है। बट दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं मीरठ। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, बट मीरठ में कहाँ जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं ये आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा तो पता चलेगा। अभी कुछ हम दोस्तों को पिकअप भी करने वाले हैं, कुछ गुड़गांव से और कुछ दिल्ली से। और अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, अभी बज रहे हैं 6:01, ये घड़ी 15 मिनट आगे है, तो आप ये लगा लीजिए अभी 5:45 टाइम हो चुका है। बाकी देखते हैं अभी आगे और व्लॉग में क्या कुछ होता है। अब सीधा हम आपको आगे मिलते हैं। भाई कितना वेट कराता है तू ये बता। नहीं, आज लेट। नाम बता दे अपना सबको। चल हेलो गाइस, माय नेम इज असमान। ये आपको मोस्टली हर वीडियोस में नजर आ जाते होंगे, काफी हेल्प कराते हैं हमारी वीडियोस में। अपना नाम बता दीजिए फटाफट से। मैं शौर्य हूँ। ये शौर्य जी हमारे हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे। अब सीधा चलते हैं अपने सचिन को लेने। हेलो ब्रोस, ये हमारे सचिन है, सचिन यादव। अबे चीट तो आएगा ना। दोस्तों, अभी हम थोड़ा अंगड़ाई लेने के लिए रुके हैं और आप देख सकते हैं मीरठ एक्सप्रेस वे। अब कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं जो भी हम लेके आए हैं, और बाकी फिर बाद में देखते हैं कुछ ढाबा वाबा ढूंढते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने। भाई क्या पी रहे हो ये बता यार सचिन यार, इसमें क्या है? ये इसमें अमृत है भाई, ये हमारी लस्सी है, देसी विद शुगर, विद शुगर मीठी लस्सी से कहते हैं, मीठी लस्सी जिसे जिसे ये हमारे भैया लेके आए हैं, जिसे शॉप वाले हमें बनाते देखे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा भाई घर से लेके आया। दोस्तों, अभी हम मीरठ पहुंच चुके हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं है और ढूंढ रहे हैं कुछ खाने को मिल जाए। डोमिनोज, KFC एक मॉल में थे, बट मॉल अभी तक खुला नहीं है। 9:30 बजे मॉल खुलेगा, अभी 9 बज रहे हैं। तो मीरठ में एज सच कोई मतलब आपको ऐसे कोई रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट मिला है हमें, बाकी देखते हैं क्या कुछ ऑर्डर करते हैं। अभी बहुत भूख लग रही है। 11-12 बजे हमें SG की फैक्ट्री में बुलाया है, तो अभी हम कुछ खा पी के थोड़ा बहुत घूम घूम के और फिर जाते हैं SG की फैक्ट्री में और आपको दिखाते हैं क्या कुछ है अंदर। एज सच आज तक कोई वीलॉग या फिर ऐसे कोई वीडियो नहीं बनी है SG की फैक्ट्री के अंदर की, तो आज ये पहली बार आप देखने वाले हो। एक नया कंटेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी एक नई शुरुआत आप मान सकते हो। पहला वीलॉग आपके लिए जा रहा है। खाना खा के निकल चुके हैं और अभी कुछ आपको दिखा देता हूँ मैं। 11 बज रहे हैं, 15 मिनट आगे आपको पता ही होगा, तो 11 बज रहे हैं। अब हम देखते हैं SG की फैक्ट्री कहाँ पे है, उसे ढूंढते हैं और उसकी लोकेशन पे जाते हैं। SG की फैक्ट्री में आ चुके हैं। अभी हमने आपको लेन दिखाई थी जहाँ से हम चल के आए थे, पार्किंग वार्किंग की है, और यहाँ पे आप अगर अंदर जाओगे तो रिसेप्शन आएगा SG का। रिसेप्शन के पीछे इनकी फैक्ट्री है जहाँ पे आपके सारे बैट बॉल्स ग्लव्स और ये बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके क्रिकेट इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे यहीं पर बनते हैं। तो अब हम सीधा रिसेप्शन चलते हैं। रिसेप्शन में जो भी पेपर वर्क है वो हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको फटाफट से सारी फैक्ट्री दिखाते हैं कि क्या क्या ये बनाते हैं। अब सबसे पहले मास्क पहन लेते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं।
तो दोस्तों रिसेप्शन पे सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके हम चल देते हैं फैक्ट्री के टूर पे। एसजी के फैक्ट्री में दोस्तों अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। सबसे पहले हम बॉल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर गए। इसमें जाते ही सबसे पहले हमें दिखा दो लेदर के पीसेस को जॉइन करके उनकी सिलाई होती है और फिर प्रेस करके उसे एक कटोरी की शेप में दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दो कटोरी को जॉइन करके बीच में कोर डाला जाता है, कारीगर के द्वारा स्टिच किया जाता है। आप देख सकते हैं बॉल की सीम ऐसे स्टिच की जाती है। कारीगर के हाथ दोस्तों बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो से। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही बॉल एक बार अपनी शेप ले लेती है उसके बाद उसे फिनिशिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले उसके ऊपर ब्रांड की स्टैंप लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन प्रेस कर रही है और यहाँ पे एसजी का लोगो निकल के आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बॉल को शाइन दी जाती है। और यहाँ पे अगर हम बॉल की बात करें तो यहाँ पे 10 से लेके 15 टाइप्स की अलग अलग बॉल बनती है और एक दिन में दोस्तों 300 से लेके 400 बॉल एक बारी में बन जाती है। एक बार जैसे ही हमने बॉल की मैन्युफैक्चरिंग देख ली उसके बाद हम सीधा जाते हैं बैट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इसमें सबसे पहले वुड को बैट के साइज में कट करके उसे अच्छे से प्रेस किया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसमें स्लॉट करके हैंडल लगाया जाता है। आप देख ही पा रहे होंगे कारीगर कैसे हैंडल को फिट कर रहा है। जनरली दो टाइप के हैंडल होते हैं, एक केन और एक बैम्बू हैंडल। अब बैट के अपर फेस को कर्व्ड शेप दी जाती है हाथ से ग्राइंड करके। इसके बाद दोस्तों बैट को सरफेस ग्राइंडर पे फिनिशिंग दी जाती है। थ्रेडिंग होने के बाद दोस्तों सीधा बैट फिनिशिंग लाइन पे आ जाता है, जहां पे उसके ऊपर स्टिकर लगाया जाता है। यहां पे दोस्तों एक दिन में 500 के आसपास बैट बना दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ग्लव्स और पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए। यहाँ पे दो सिंपल स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं जिसमें सबसे पहले स्टिचिंग होती है। स्टिचिंग में इनसाइड लेयर और आउटसाइड लेयर को आपस में स्टिच किया जाता है, फिर अंदर प्रोटेक्शन फॉर्म भरी जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ एसजी के फैक्ट्री के अंदर के मैंने जो भी आपको इनसाइट्स दिखाए हैं। और ये दोस्तों मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था, ये यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं दिखाया। ये आपके लिए भी फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि एसजी के कोई अंदर से अच्छे से फैक्ट्री दिखा रहा है, कैसे क्या बॉल्स बनती है, बैट्स बनते हैं। तो ये आज एसजी की फैक्ट्री थी और एसजी ने कुछ हमें सामान दिए, दो किट बैग्स हैं, इनके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, पैड्स हैं, बैट्स हैं, क्या चीज़ हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करना मत भूलना।
तो दोस्तों फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। सुबह 5 बजे हम यहाँ इसी जगह से निकले थे, पूरा दिन ऑलमोस्ट लग चुका है और अभी रात को बस पूछो मत, इतना ट्रैफिक मिला है, नोएडा में मिला, फिर दिल्ली में मिला, फिर गुड़गांव में भी थोड़े बहुत, इतनी सारी रेड लाइट्स और मतलब अभी कुछ 4 घंटे तक मैंने ड्राइव किए है। एक मिनट में आपको टाइम दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 9:54 मतलब 10 बजने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का ये हमारा व्लॉग पसंद आया और ये कंटेंट दोस्तों आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा एसजी के फैक्ट्री के इनसाइड, तो आज की वीडियो को हम लाइक्स टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, आपको मेरे दोस्त वोस्त का ये भी थोड़ा इंट्रैक्शन अच्छी लगी हो और एसजी का जो भी मैंने कंटेंट दिखाया, और आगे भी आपके लिए इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और अभी जो एसजी ने मेरे को 2 किटबैग्स दिए हैं उसके अंदर क्या है कमेंट में वो गैस करना दोस्तों, क्या क्या चीज़ें मुझे मिली है और बता देना कि किस किस चीज़ों की मुझे अनबॉक्सिंग करनी चाहिए, प्रोडक्ट रिव्यू आपको देना चाहिए। आपके लिए बहुत जल्दी एक गिव अवे आने वाला है और एक नहीं बहुत सारे गिव अवेज प्लान है, तो आप भाई को सपोर्ट करोगे और आपका भाई आपको रिटर्न में डेफिनेटली कुछ ना कुछ देगा दोस्तों। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए अपने भाई के लिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जब कभी बनेगा, और बाकी नॉर्मल वीडियोस में आता ही रहूंगा। जय हिंद, नमस्कार।